हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर है उसमें मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। लेकिन वो कंसेप्ट समझने से पहले या फिर वो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट है आपका, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कंसेप्ट मैं अभी आपका क्लियर कर देता हूँ। मान लो कोई एक वेसल है, ठीक है, कोई एक वेसल है, उस वेसल में लिक्विड भरा है, उस वेसल में यहां तक लिक्विड भरा है, ठीक है ऐसा। और मैंने इसमें दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट है ये रहा और दूसरा पॉइंट है ए रहा। आपको पूछा गया कि बताओ ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट है बी। ए पॉइंट का जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पी ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पी बी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस बॉटम से रेफरेंस लेंगे। इस बॉटम से ए की हाइट देखो कितनी है, एच है, उतनी ही हाइट किसकी है, इस पॉइंट बी की है, ठीक है। बर्तन एक ही है, वेसल एक है, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड एक है, उसके बाद में दोनों पॉइंट की हाइट्स एक है। अगर ऐसा रहा, दोनों पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे तो दोनों पॉइंट का प्रेशर होगा इक्वल, दोनों पॉइंट का प्रेशर होगा इक्वल। ये हम किस कंसेप्ट से बता सकते हैं, ये हम इस कंसेप्ट से बता सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अभी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हम कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है ना, तो इस पॉइंट से लेके एक क्या ड्रॉ कर दो, एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दो, ठीक है। वैसा ही इस पे भी एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहां से इतनी हाइट कितनी है वो मेजर कर लो। अब ये दोनों पॉइंट अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो इस पॉइंट से लिक्विड सरफेस का जो है हाइट, ये जितना आएगा उतना ही हाइट ए भी आएगा। और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। लिक्विड सेम है तो डेंसिटी सेम है, रो मतलब डेंसिटी, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दोनों के ऊपर की हाइट कितनी है, लिक्विड कॉलम की हाइट दोनों की क्या है, सेम है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर कैसा रहेगा, दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको, एक पॉइंट ए रहा, ये वाला, ठीक है, सी वाला, और दूसरा पॉइंट डी वाला। अगर मैं आपको पूछूंगा कि प्रेशर एट पॉइंट सी और प्रेशर ऑफ पॉइंट डी, इन दोनों में क्या है, दोनों प्रेशर सेम रहेंगे, तो नहीं, आंसर होगा दोनों प्रेशर अलग अलग रहेंगे, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है नहीं। इसमें क्या क्या सेम है, इसमें वेसल एक है, इसमें लिक्विड भी एक है, लेकिन हाइट अलग अलग है। हाइट अलग अलग होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएंगे, अलग अलग। पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, दीज आर नॉट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दे आर नॉट ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके लिए उनका प्रेशर सेम नहीं रहेगा। किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, अफकोर्स यहां से एक सिलेंडर ड्रॉ करो, ये लिक्विड कॉलम का हाइट बताओ ज्यादा रहेगा, यहां से सिलेंडर ड्रॉ करो इतना सा छोटा सा, ठीक है। लिक्विड कॉलम का हाइट जितना ज्यादा लिक्विड कॉलम का हाइट उतना ज्यादा प्रेशर, तो क्या होगा, प्रेशर एट डी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या बता रहा है, अगर लिक्विड एक है, वेसल एक है, और उनके जो दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स की हाइट भी अगर एक है, दोनों पॉइंट्स अगर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो उन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज दोनों पॉइंट्स का प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आपको मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर आराम से समझ में आ जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने एक लॉ देखा था जिसका नाम है पास्कल्स लॉ, ठीक है। इस पास्कल्स लॉ का यूज हम करेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर पढ़ने में, जो कि सिंपल है, मैं तभी इसको क्या कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे और उसका यूज करके हम पढ़ेंगे बैरोमीटर मैनोमीटर वगैरह, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रेशर मेजर करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, जो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं प्रेशर गेजेस। ठीक है, प्रेशर गेजेस कौन से होते हैं? गाड़ी में अगर हम गाड़ी के टायर में हवा भराते हैं, तो जो हवा भरने वाला है वो चेक करता है पहले कि आपकी गाड़ी में जो हवा है उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, एक छोटी सी ट्यूब आती है और आगे मीटर आता है छोटा सा, वो डाल देता है, निडल हिलता है। ठीक है, वो जो है वो क्या है? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज को दूसरा नाम है प्रेशर मीटर। ठीक है, और दूसरा नाम है वैक्यूम गेज। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, ये सारे नाम क्या है इस इंस्ट्रूमेंट के है, जो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट आपका फ्लूइड का प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है, कभी कभी गैस का प्रेशर मेजर होगा, कभी कभी एयर का प्रेशर मेजर होगा, कभी कभी लिक्विड का प्रेशर मेजर होगा। ठीक है, फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उनको हम बोलते हैं प्रेशर गेजेस, प्रेशर मीटर्स और वैक्यूम गेजेस हम उनको बोला करते हैं। ठीक है, ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अब हम देखेंगे वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर को। मर्क्यूरी बैरोमीटर, चलिए नाम में है मर्क्यूरी, तो इसमें क्या यूज किया होगा फ्लूइड के तौर पे? फ्लूइड के तौर पे इसको यूज किया होगा मर्क्यूरी को। ठीक है, अभी मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं उसके अलग अलग रीजन है, और रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका यूज समझ लो पहले, ये क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू मेजर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान में रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया पहली बार, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। अभी इस मर्क्यूरी बैरोमीटर का इजाद किसने किया, इन्वेंशन किसने किया? तो एक इटली का साइंटिस्ट है जिसका नाम है टॉरिसेली, जिसका नाम है टॉरिसेली, उसने इस मर्क्यूरी बैरोमीटर का इन्वेंशन किया था। बहुत ही सिंपल है, क्यों यूज होने वाला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। अभी इस मर्क्यूरी बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है? तो बहुत ही सिंपल होता है। देखो क्या होगा, उसमें एक टब या एक डिश ली जाती है। ठीक है, एक टब या एक डिश ली जाती है, उस डिश में मर्क्यूरी भरा रहता है बहुत सारा। उस डिश में हम क्या करेंगे, बहुत सारा मर्क्यूरी भर देंगे। ये लाल लाल जो है ये लाल लाल मर्क्यूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब लेंगे। ये रही ग्लास ट्यूब, ये रही ग्लास ट्यूब। अब ये ग्लास ट्यूब कैसी होनी चाहिए? इस ग्लास ट्यूब की जो लेंथ है वो लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर। ग्लास ट्यूब की लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर, और ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका, ये जो नीचे का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। इससे बड़ी भी ले सकते हो आप लेंथ में, लेकिन डायमीटर कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर कंपलसरी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम बाद में, इसी को इसमें इन्वर्ट कर देंगे। बाद में इसी को क्या कर देंगे, इसमें इन्वर्ट कर देंगे। तो आपको मर्क्यूरी बैरोमीटर ऐसा दिखेगा। खत्म हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, मर्क्यूरी बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, लेकिन इतनी आसानी से। ये जो ट्यूब है, इसी ट्यूब पे क्या लिखा होता है? कुछ स्केल लिखा होता है, सेंटीमीटर, जो अपना सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है, जो हम अपनी कंपास बॉक्स में होता है, वो सेंटीमीटर वाला स्केल इसमें लगा होता है या फिर इसमें प्रिंट किया होता है। ठीक है, वो यही बहुत ज्यादा हमें यूज होने वाला है। चलो फिर अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, याद नहीं, याद। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, द मर्क्यूरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ टब, और कहीं कहीं बुक में दिया है डिश। डिश बोलना थोड़ा गलत हो सकता है, टब ही बोलूंगा मैं। ठीक है, एक टब लिया जाता है, इस टब में क्या किया जाता है, टब में मर्क्यूरी भर दिया जाता है। अ टब इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी, टब को मर्क्यूरी से भर दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में टेक ग्लास ट्यूब, ठीक है, विच इज क्लोज एट वन एंड,
ऐसा ग्लास ट्यूब और टेस्ट ट्यूब मालूम है, बड़ी सी टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। टेक अ ग्लास ट्यूब, टेक अ ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, उसका लेंथ होना चाहिए 1 मीटर और डायमीटर होना चाहिए उसका 1 सेंटीमीटर, ये सफिशियंटली लॉन्ग होनी चाहिए, क्यों मैं बताता हूं उसका भी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिल द ट्यूब, फिल द ट्यूब विथ मर्क्यूरी। अभी इस ट्यूब को मर्क्यूरी से भरना है, तो मर्क्यूरी से कैसे भर सकते हैं, दो टाइप से, दूसरा मर्क्यूरी लो, दूसरे इसको सीधा करो पहले तो, ठीक है, इसको ऐसा सीधा कर देंगे और इसमें मर्क्यूरी भरना चालू कर देंगे। इसको इसमें मर्क्यूरी कहां तक भरेंगे, तो इसमें मर्क्यूरी यहां तक भरेंगे, पूरा भर देंगे, पूरा मर्क्यूरी से भर देंगे इसको। कैसे भरेंगे, आप मर्क्यूरी इस टब में से भी उठा सकते हो या फिर दूसरा मर्क्यूरी भी इसमें भर सकते हो, कोई नहीं, कैसा भी भरो इसमें, लेकिन पूरा ब्रिम तक, कहां तक, ब्रिम तक, ब्रिम मतलब ऊपर तक पूरा। फिल द ग्लास ट्यूब विद मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम, फिल द ग्लास ट्यूब विद मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम, ब्रिम तक पूरा भर दो। अभी ब्रिम तक भरने की वजह से क्या हो जाएगा, जब आप पूरा इसको मर्क्यूरी से भर देते हो तो इस ग्लास ट्यूब में जो भी एयर है वो एयर निकल जाएगा, वो एयर क्या होगा, अभी निकल गया। जैसे ही इसको भर देंगे हम इसमें क्या करेंगे, मान लो ये एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है तो नहीं, लेकिन मान लो एक ग्लास ट्यूब है, इसमें मैं क्या करूंगा, अभी इसमें पूरा मर्क्यूरी भर दूंगा ऊपर तक, जैसे ही ऊपर तक आएगा मैं ऐसा इस पर थंब रख दूंगा, ऐसा इस पर क्या करूंगा, थंब रख दूंगा और जल्दी से ऐसा उल्टा कर दूंगा उसको, जल्दी से इस ग्लास ट्यूब को ऐसा उल्टा कर दूंगा, क्या करूंगा मैं उसको, कैसा प्लेस करूंगा, ऐसा अपसाइड डाउन, कैसा प्लेस करूंगा, अपसाइड डाउन इन द मर्क्यूरी टब, इन द मर्क्यूरी टब। ऐसा जल्दी से क्यों करेंगे, एकदम फास्ट करना होता है, एकदम फास्ट करना होता है क्यों, क्योंकि देखो हम कभी भी पानी की बॉटल जब उल्टी करते हैं, ठीक है, और उसका मुंह जब खोल देते हैं तो पानी नीचे गिरता है और बबल प्रोड्यूस होते हैं, पानी जब नीचे गिरता है तो एयर अंदर जाती है बॉटल में। हमें एक ध्यान रखना है, एक ही प्रिकॉशन हमें लेना है कि जब इस ट्यूब को हम इसमें इन्वर्ट करेंगे, जब इस ट्यूब को हम इसमें इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करते वक्त इस ट्यूब में एयर नहीं जाना चाहिए, एयर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर एयर गया तो फिर ये गलत रीडिंग बताएगा, सही रीडिंग नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो देखो क्या गया अभी तक का प्रोसीजर, टेक अ टब इन विच द मर्क्यूरी इज फिल्ड, ठीक है, टेक वन ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड विच इज सफिशियंटली लॉन्ग और विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड विच हैविंग द डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। नाउ फिल दिस ग्लास ट्यूब विद मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम, ठीक है। नाउ इनवर्ड दिस ग्लास ट्यूब, नाउ इनवर्ट दिस ग्लास ट्यूब इन द मर्क्यूरी टब एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट नो एयर कैन एंटर, नो एयर कैन एंटर इन द ट्यूब। जब आप इसको ऐसा इन्वर्ट करोगे, जब आप ऐसा इसको इन्वर्ट करने वाले हो, जब पानी की बॉटल इन्वर्ट होती है तो पानी गिरता है, हवा अंदर जाता है, जब इन्वर्ट होगा तो मर्क्यूरी गिरेगा, हवा ऊपर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन इतना फास्ट उसको इसमें डीप कर दो कि इसको हवा को अंदर जाने के लिए जगह ही ना मिले। इसको जैसे ही आप ऐसा डाल दोगे, हवा जाने के लिए जगह ही नहीं, ऐसी हवा आएगी इधर मर्क्यूरी जा नहीं पाएगी, ऐसी हवा नीचे से तो आ नहीं सकती हवा, ठीक है। तो उसको इतना फास्ट इन्वर्ट करो, इतना फास्ट उसको अपसाइड डाउन पुट करो इसमें टब में, ताकि उसमें हवा ना जा पाए, ठीक है। इतना होने के बाद क्या होगा, हमें क्या दिखेगा, इनिशियली इनिशियली द लेवल इन ट्यूब, किसका लेवल, मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि कुछ कुछ मर्क्यूरी अभी क्या होगा, इसका मर्क्यूरी ट्यूब में का मर्क्यूरी क्या होगा, टब में स्पिल होने लग जाएगा, टब में क्या हो जाएगा, स्पिल होने लग जाएगा। और कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी, आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन द ट्यूब, किसने, ट्यूब में जो मर्क्यूरी की लेवल है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। शुरू में क्या था, पूरा भरा है, उल्टा कर दिया तो पूरा का पूरा होना चाहिए था, नहीं, लेकिन क्या होता है, इतना ही, फिर अभी बाकी का मर्क्यूरी क्या आ गया, नीचे आ गया, बाकी का मर्क्यूरी नीचे आ गया,
ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, बाकी का मर्क्यूरी स्पिन हो गया। ऐसा क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इस मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी इस जो ट्यूब है इसका मर्क्यूरी नीचे आके इधर 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 ऐसा स्पिन हो गया। मर्क्यूरी स्पिन हो रहा इसलिए जो यहां तक का मर्क्यूरी था उसका लेवल कम हो गया, इसका आजू बाजू का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, आजू बाजू का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो हो गया। तो अभी इधर क्या बचा? अभी इतने पोर्शन में क्या बचा? ये जो इतने पोर्शन में क्या रहेगा? तो इतने पोर्शन में कुछ नहीं रहेगा, इतने पोर्शन में कुछ नहीं, हवा भी नहीं। क्या? हवा भी नहीं। मर्क्यूरी इधर स्पिल हो रहा है लेकिन इधर से आवाज आने को जगह है क्या? कुछ हवा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा वैक्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस वैक्यूम। और इसका नाम है किसका है? मर्क्यूरी बैरोमीटर किसका है? टॉरिसेली का। तो यहाँ पे जो वैक्यूम प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे टॉरिसेलीज वैक्यूम। किसका वैक्यूम? टॉरिसेलीज वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है? ये हो गया, बन गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन पॉइंट लेते हैं, एक्चुअली दो लेते हैं तो भी चलेगा। एक पॉइंट ए रहा ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लूंगा बी, और तीसरा पॉइंट यहां पे लूंगा सी। इन दोनों में से कोई भी एक सी लो चलेगा। अभी देखो हमें क्या करना है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे मेजर करेंगे? प्रेशर कंपेयर करके, प्रेशर कंपेयर करके। अभी देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कहाँ पे दिख रहा है? अभी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे जो ये पॉइंट है सी पॉइंट, सी पॉइंट के ऊपर क्या है? एयर ही एयर है। इधर भी सी पॉइंट के ऊपर क्या है? एयर ही है। मतलब हमें पीसी कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पीसी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या? प्रेशर अप्लाइड बाय द एयर ऑन द फ्लूइड और दिस पॉइंट। तो इसके ऊपर एयर है तो इस पे लगने वाला प्रेशर कौन सा हो जाएगा? इस पे लगने वाला प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं पी जीरो से। और हमें क्या करना है? पी जीरो की ही वैल्यू ढूंढनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी जीरो से डिनोट किया जाता है। तो अभी कैसे करेंगे इसको? तो अभी अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, वो कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट मैं दोबारा दोहराता हूं। तो हम क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए? टेक अ पॉइंट बी, टेक पॉइंट बी विच इज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज पॉइंट सी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सी पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे बी, जो पॉइंट कैसा होगा? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, जिस जो हॉरिजॉन्टल लेवल इस पॉइंट सी की है उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम होगा बी। लेकिन वो पॉइंट कहां पे होगा? इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब। अभी वो लेने की वजह से क्या हो गया? देखो ठीक से, बी और सी देखो, दोनों का लिक्विड सेम है, मर्क्यूरी टब में आ गए दोनों, वेसल एक ही है। उसके बाद में दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों की हाइट सेम है। अभी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ठीक है, अब भी पढ़ा हमने। और प्रेशर एट सी मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर एट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी प्रेशर एट बी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होगा? ये बी के ऊपर क्या है पूरा? ये मर्क्यूरी कॉलम बन गया। ठीक है, मर्क्यूरी कॉलम की इस सरफेस से इस मर्क्यूरी कॉलम की हम क्या मेजर करेंगे? हाइट मेजर करेंगे। हाइट कैसे मेजर करेंगे? स्केल लगी हुई है, स्केल से हाइट मेजर हो जाएगा। तो देखो फिर बी पॉइंट के प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? बी पॉइंट का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? देखो इसमें क्या है? वैक्यूम है। तो देखो पीबी इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं पीए प्लस रो जी एच, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम याद करो। ठीक है, ये था बीकर, उसमें था फ्लूइड, ये पॉइंट था, यहां से हम ऐसा ड्रॉ करते थे। ठीक है, कहां तक? जहां तक हाइट होता था, जो इतना हाइट होता था उससे हम प्रेशर निकाल लेते थे रो जी एच। और ये ऊपर से और कौन सा प्रेशर लगता था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टोटल लगने वाला प्रेशर क्या है?
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा और ये प्रेशर ड्यू टू इतना लिक्विड कॉलम भी लगेगा, ठीक है। तो इस पे प्रेशर कितना होता था, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें क्या आ जाएगा, पीए जो इस पॉइंट पे प्रेशर है वो लगेगा, ठीक है, प्लस ये लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर, ये लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर। बट पीए इज इक्वल टू जीरो क्यू, पीए जीरो क्यू है। अभी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स कब लगेगा, फोर्स तब लगेगा जब मास होगा। इस ए पॉइंट के ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब कुछ नहीं है, मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं, एटम नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ मैटर ही इसमें नहीं है तो ऊपर मास नहीं है, ऊपर मास नहीं है तो किस पे फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड दिशा में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस पे फोर्स लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है। प्रेशर जीरो होना मतलब क्या, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मतलब क्या, प्रेशर का जीरो होना। तो पीए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पी भी क्या आ गया, सिर्फ आ जाएगा रो जी एच, पीए की वैल्यू जीरो डाल दो, पीए की वैल्यू जीरो डाल दो रो जी एच, और पी बी इज इक्वल टू क्या है, पीसी, और पीसी मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीसी मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी एच, ठीक है। अभी ये रो किसका, तो फ्लूइड कौन सा है, मर्क्यूरी, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। जी तो मालूम है, 10 लेते हैं हम जनरली, 9.8 लेते हैं, लेकिन 10 लेते जाएंगे। हाइट किसका, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, मर्क्यूरी कॉलम का हाइट हो जाएगा, करेक्ट है। तो देखो ये हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जी तो हम लेते ही ये वैल्यू 10, और मर्क्यूरी की डेंसिटी हमें मालूम होनी चाहिए, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है, चलो डायरेक्ट प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिला हमें, वापस रो जी एच इतना ही मिला, ठीक है। जो डेंसिटी होती है मर्क्यूरी, रो फॉर मर्क्यूरी होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। ये हाइट जब इस बैरोमीटर को, जब इस बैरोमीटर को सी लेवल तक लेके गए, कहां तक लेके गए, सी लेवल पे लेके गए, किसी सी के पास लेके गए समझो, ठीक है। तो जब इस बैरोमीटर को सी लेवल पे लेके गए और एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमें ऐसा दिखा, हमें ऐसा दिखा कि ये जो मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है, ये मर्क्यूरी कॉलम का हाइट उनको कितना मिला, इस मर्क्यूरी कॉलम का हाइट उनको मिला 76 सेंटीमीटर, कितना मिला, 76 सेंटीमीटर। तो एट सी लेवल हाइट बना 76 सेंटीमीटर और जी कितना होता है, 10। तो इस फॉर्मूले के अनुसार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है रो जी एच, तो रो जी एच रो है 13600, ठीक है, इंटू जी है 10, इंटू हाइट है 76 सेंटीमीटर, को मीटर में करो तो 76 × 10⁻²। इसको जब सॉल्व किया गया तो आंसर मिला 1.013 या फिर 1.01 × 10⁵, और यूनिट मिला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना आता है, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। यही वैल्यू हमने देखी थी जब हम प्रेशर के यूनिट पढ़ रहे थे, पहला लेक्चर इस चैप्टर का, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में, ठीक है। तो देखो प्रेशर जब, तभी पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स थे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसके बाद में उसी को पास्कल बोलते हैं, बाद में बार होता है, उसके बाद में टॉर होता है, उसके बाद में ये होता है क्या, एमएम ऑफ एनजी या फिर सेंटीमीटर ऑफ एनजी, एनजी मतलब मर्क्यूरी, एनजी मतलब मर्क्यूरी, ठीक है। तो अभी जब भी आपको बोला जाएगा कि प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एनजी, तो ये अलग यूनिट हो गया, ठीक है। अगर इस 76 सेंटीमीटर ऑफ एनजी बोला है, अगर उसका आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी पास्कल वाला प्रेशर आप निकाल पाओगे। अगर समझो एनजी की जगह पे वाटर बोल दिया, क्या बोल दिया, वाटर, तो अभी यही फॉर्मूला लगा हो गया, फ्लूइड कौन सा भी ले सकते हो, टॉलिसिली ने कौन सा लिया, मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी ही क्यों लिया मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर समझो वाटर ले लेते,
तो फिर भी ये फॉर्मूला बनता, मर्क्यूरी की जगह भी वाटर लेते, तो यहाँ पे ये जो होता था डेंसिटी, पहले मर्क्यूरी की लेते थे, अभी किसकी डेंसिटी देना पड़ेगा, वाटर की डेंसिटी, और वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जी तो वही और जो हाइट मिलेगी वही। ठीक है, तो जब एमएम ऑफ एचजी वगैरह ऐसा यूनिट दिया होता है, उस यूनिट का जब आपको पास्कल में कन्वर्शन करना होता है तो आसान नहीं होता, उसका पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और रो वो यूज करो जिस जो फ्लूइड आपने यूज किया है उसका डेंसिटी यूज करो। ठीक है, हाइट तो यूनिट में डी होती है। ठीक है, तो इस तरह से, तो जब मर्क्यूरी लेके गए सी लेवल पे, तो मर्क्यूरी का हाइट कहां तक गया, 76 सेंटीमीटर तक गया। कहां तक गया, 76 सेंटीमीटर। तो हाइट 76 सेंटीमीटर पुट कर दी, मर्क्यूरी की डेंसिटी पुट कर दी जो मालूम होनी चाहिए, और जी की वैल्यू 10। उसको सॉल्व किया तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना आया, 1.01 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि मर्क्यूरी क्यों, दूसरा क्यों, तो उसके 3-4 रीजन है। पहला रीजन है जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्यों, वाई मर्क्यूरी, वाई मर्क्यूरी, तो पहला सबसे मेन रीजन, सबसे मेन रीजन कि इट इज डेंसेस्ट लिक्विड, ये तो आपको मालूम है, मर्क्यूरी मेटल है, लिक्विड फॉर्म में जो मेटल है वो मर्क्यूरी है अकेला, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है, 13,600 kg/m³। अभी डेंसिटी ज्यादा होने का फायदा क्या है, देखो आप मेजर करने के लिए कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर उतना ही है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हमें छोटा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बड़ा इंस्ट्रूमेंट हम अच्छे से नहीं यूज कर पाएंगे। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, अगर प्रेशर बाहर उतना ही है, प्रेशर बाहर उतना ही है, अगर हम डेंसिटी ज्यादा यूज करेंगे तो हमें अपने आप हाइट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। हाइट कम मिलेगी तो हमें इसका जो साइज है अभी इतना सा है। ठीक है, अगर दूसरा लिक्विड ले लिया जिसका डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी हमने कम कर दी तो हाइट बढ़ जाएगी, फिर लिक्विड की हाइट बढ़ जाएगी तो ट्यूब की हाइट बढ़ जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा बैरोमीटर, वो यूज नहीं करते आएगा। तो हाइट जितना कम मिले ना उतना अच्छा, हाइट जितना कम मिले उतना अच्छा, उतना छोटा बनेगा आपका, उतना छोटा आपका बैरोमीटर बनेगा। लेकिन डेंसिटी अगर कम कर दी तो हाइट फिर आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बाहर प्रेशर तो उतना ही है, प्रेशर कांस्टेंट जब आए दिखाने के लिए जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, एच अपने आप बढ़ेगा, जब रो कम होगा एच बढ़ेगा, और रो जब बढ़ेगा तब एच कम हो जाएगा। तो ठीक है, जब जितना डेंसेस्ट लिक्विड लोगे उतना बैरोमीटर छोटा और हैंडी रहेगा, इसके लिए डेंसेस्ट लिक्विड यूज किया जाता है। दूसरा वो होता है ओपेक, ओपेक मतलब क्या, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जिसमें से लाइट पास नहीं होती। अभी इसका यूज क्या है, इसका यूज इतना आसान है, अगर इसमें से लाइट पास नहीं होगी ना तो आप रीडिंग आराम से देख सकते हो, जो हाइट आप मेजर करने वाले हो तो वो हाइट आप आराम से मेजर कर पाओगे, एकदम क्लियरली आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, ओपेक होता है इसलिए। तीसरा, थर्ड रीजन क्या होगा, जो मर्क्यूरी है डज नॉट वेपराइज इजीली। देखो मर्क्यूरी अगर वेपराइज हो जाता इजीली तो ये जो इधर वैक्यूम बना है ना, तो ये वैक्यूम नहीं बनता। अगर मर्क्यूरी वेपराइज हो जाता तो ये जो यहाँ पे वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम की वजह से हम बोलते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होता है, जीरो बोला है, आराम से हम बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो वेपराइज नहीं होता। अगर मर्क्यूरी वेपराइज हो जाता तो इस वैक्यूम की जगह पे क्या आ जाते, मर्क्यूरी के वेपर आ जाते, और मर्क्यूरी के वेपर आ जाते तो ये वेपर क्या करते, फिर इस ए पॉइंट पे प्रेशर लगाते, और ए पॉइंट का प्रेशर जीरो नहीं होता, और जो मेजर करते फिर हम प्रेशर उस फॉर्मूला से, उस फॉर्मूले से मेजर प्रेशर को मेजर करने के बाद कुछ ना कुछ एरर आ जाता। ठीक है, तो मर्क्यूरी आराम से वेपराइज नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम बनाना आसान हो जाता है, और यहाँ पे वैक्यूम बनना क्या है, जरूरी है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, इस जगह पे क्या बनना चाहिए, वैक्यूम बनना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा फ्लूइड है वाटर, वाटर क्यों नहीं ले रहे हम, व्हाई नॉट वाटर। तो सबसे पहले वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर डेंसिटी कम होगी तो क्या होगी, हाइट ज्यादा मिलेगी, हाइट अगर ज्यादा मिली तो फिर बैरोमीटर का क्या बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा,
तो अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो आप रीडिंग अच्छे से नहीं ले पाओगे। ये जो हाइट आपको मेजर करना है वो आप ठीक से देख नहीं पाओगे वाटर ट्रांसपेरेंट होने के कारण। तो हाइट ठीक से मेजर नहीं करोगे तो फिर प्रेशर मेजर करने में गलती हो जाएगी। और तीसरा, वाटर वेपराइज आराम से हो जाता है, वेपराइज इजीली वेपराइज हो जाएगा तो इधर वेपर आ जाएगी, वेपर आ जाएगा तो वैक्यूम नहीं बनेगा, वैक्यूम नहीं बनेगा तो प्रेशर ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो हमें मर्क्यूरी में हाइट कितना मिला था, हमें मर्क्यूरी में हाइट मिला था 76 सेंटीमीटर। कितना मिला था? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं अगर वाटर गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कितना है? 1.01 × 10⁵ वन एटमोस्फियर। क्या होता है वो? रो जी एच। अभी मर्क्यूरी की जगह पे वाटर गया है तो मैं इधर वाटर वाटर कर देता हूं, तो 1.01 × 10⁵ इज इक्वल टू, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg/m³। ये हो गया 10 और ये हो गया हाइट, आपको कितना मिलेगा वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा 1.01 × 10⁵ इज इक्वल टू एच। ये क्या हो गया? 10⁴, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 10.1 मीटर। 10.1 मीटर। इसका सेंटीमीटर में करो कितना हो जाएगा? 101 सेंटीमीटर। ये जो है, सॉरी, ये है इतना 10.1 मीटर। ठीक है, 10.1 मीटर मिला, तो 10.1 मीटर इसका सेंटीमीटर में करो, मीटर का सेंटीमीटर में जब करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों नहीं, कितना? ये ऐसा 1010 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1010 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, उतना बड़ा थोड़ी मिलेगा फिर हमको, तो इतना बड़ा ट्यूब बनाने में फिर आसानी नहीं होगी, इसलिए हम वाटर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा बैरोमीटर, ये था हमारा बैरोमीटर जो किसके लिए यूज किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, सेम तरह का इसका भी वर्किंग रहेगा, तो चलिए मैनोमीटर देखते हैं। चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसका यूज क्या है? इसका यूज है टू मेजर प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो एनक्लोज्ड है। पिछली बार क्या था? जो फ्लूइड था हमारा मर्क्यूरी जो यूज कर रहे थे वो एक्सपोज्ड था एयर में, क्या था? एक्सपोज्ड। लेकिन अभी हम जिसका प्रेशर मेजर करने वाले हैं वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या होगा? एनक्लोज होगा, चारों तरफ से क्लोज होगा। ठीक है, तो वो मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, हम इसके लिए क्या लेंगे? एक यूट्यूब लेंगे और यूट्यूब में भरना चालू कर देंगे फ्लूइड, एक हमारी मर्जी। हम इसमें वाटर भी ले सकते हैं, केरोसिन भी ले सकते हैं, ऐसे भरते जाओगे। इसमें गैस है, मान लो इसमें क्या है? गैस है। ठीक है, इस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है। एनक्लोज्ड फ्लूइड कौन है? गैस है। एनक्लोज्ड फ्लूइड कौन है? इस कंटेनर में गैस है, इसका हमें प्रेशर मेजर करना है। तो एक साइड से हम क्या करेंगे? अपना फ्लूइड डालना स्टार्ट करेंगे यूट्यूब में। ये क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हमारी मर्जी वाला फ्लूइड हो सकता है। डालते जाएंगे यहां तक डाल, आप ट्राई करोगे लेकिन इससे ऊपर आप ज्यादा डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? यहां से हम हमारा फ्लूइड डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या है? सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लो होते होते यहाँ पे आएंगे। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लो होते होते आए, वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस पे प्रेशर लगाएंगे फ्लूइड को, तो ये फ्लूइड अभी ज्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा? यूट्यूब में जो हमारा फ्लूइड भरेगा, जो क्या हो सकता है? वाटर, मर्क्यूरी, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है, वो कैसे भर पाएंगे हम? पार्शियली। ठीक है, ये जो यूट्यूब है इसको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं? ये एक आर्म हो गया, ये हो गया दूसरा आर्म। ठीक है, ये दोनों क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? द लेवल ऑफ फ्लूइड इन वन आर इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ फ्लूइड इन अदर।
ठीक है, इस तरह से बनेंगे कि जो हम फ्लूइड भर रहे हैं इस यूट्यूब में, उस फ्लूइड का लेवल यूट्यूब के एक आर्म में उसका लेवल ज्यादा होगा, दूसरे आर्म में उसका लेवल कम होगा, ठीक है। और इस यूट्यूब को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट ऑलरेडी रहेगा, कनेक्ट यूट्यूब टू द कंटेनर, जिसका हमें क्या करना है, उस प्रेशर इज टू बी मेजर, जिसका प्रेशर हमें क्या करना है, जिसका प्रेशर मेजर करना है। तो इसको भरेंगे आधा और उसको इसके साथ, इस कंटेनर के साथ में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अभी इस कंटेनर का प्रेशर हमें मेजर करना है, तो चलिए कैसे मेजर करेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे ऐसा, ठीक है, टेक पॉइंट्स बी एंड सी विच आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। लेकिन कैसा लेंगे, पॉइंट सी जो होगा, द पॉइंट सी विल बी ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड। सी पॉइंट जो होगा ये सरफेस के, फ्लूइड के सरफेस पे होगा, और इस सी पॉइंट के साथ में ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कौन सा पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट लेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी क्या होगा, देखो लिखूंगा मैं, बी और सी इनकी कंडीशन देखो, फ्लूइड एक ही है, वेसल एक ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या था, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, दोनों की हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ठीक है। अभी उसके बाद में, बट प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, ये कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो इंक्लोज्ड फ्लूइड है, इस एंक्लोज्ड फ्लूइड का प्रेशर मान लेते हैं पीडी, ठीक है, और यहां का प्रेशर मान लेते हैं पीसी। मैं बोल रहा हूं कि पीसी इज इक्वल टू पीडी, डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या, तो नहीं। तो ये मैंने कैसे बोला, इसके लिए मैंने पास्कल लॉ यूज किया। पास्कल लॉ ये बोलता है कि द प्रेशर ऑफ एंक्लोज्ड फ्लूइड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, सिंपल सा स्टेटमेंट है पास्कल लॉ का। कल बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा था, आज सिंपल बताता हूं कि जब एक कोई फ्लूइड एंक्लोज्ड होता है, जब कोई एक फ्लूइड एंक्लोज्ड होता है किसी चेंबर में, तो उस फ्लूइड का प्रेशर हर जगह पे क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो गैस है वो यहां से इतना क्या है, एंक्लोज्ड है पूरा, यहां से गैस शुरू हो जाएगा, ये गैस यहां से इंक्लोज्ड है, तो उस गैस का प्रेशर यहां पे जितना रहेगा उतना ही प्रेशर यहां पे रहेगा, उतना ही प्रेशर यहां पे रहेगा, उतना ही यहां पे रहेगा, उतना ही यहां पे रहेगा, क्योंकि क्या, जो गैस है वो अभी एंक्लोज्ड है, एक्सपोज्ड नहीं है एयर में, ठीक है। तो एंक्लोज्ड फ्लूइड का प्रेशर उस कंटेनर में, आप कहां भी जाओ कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर में गैस को भरा है उस कंटेनर में कौन सा भी पॉइंट लो, हर जगह पे उस गैस का प्रेशर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो यहां से गैस है तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वही यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर है पीसी, तो पीसी मतलब क्या, पीडी, पीडी मतलब क्या, जिसका हमें एनक्लोज फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है। तो एनक्लोज फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए हमें पीसी निकालना पड़ेगा, और पीसी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीवी। अभी पीवी निकालना बहुत आसान हो गया, पीवी कैसे निकालेंगे देखो आराम से। देखो अभी ये जो ट्यूब है, वन आर्म जो है क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। देखो जो हमने फ्लूइड भरा है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, लेकिन जिसका मेजर करना है वो क्या है, यहां से अंदर ऐसा एनक्लोज हो गया है, ठीक है। ये जो फ्लूइड हमने भरा है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर में एनक्लोज, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज है। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मान लो कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो पीबी क्या होगा, देखो पीबी क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे लगेगा, और यहां से इतनी हाइट मेजर कर लो, यहां से इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो पूरा बी पे प्रेशर कितना लगने वाला है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो इतना लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम से लगने वाला फोर्स या प्रेशर। तो पीबी इज इक्वल टू पी ए प्लस, और लिक्विड कॉलम वाला फोर्स कितना होता है, रो जी एच, ठीक है। तो पीबी इज इक्वल टू पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पी जीरो प्लस क्या हो जाएगा, रो जी एच। अभी रो किसका डेंसिटी, इसका नहीं, गैस का डेंसिटी नहीं, इसका डेंसिटी जो हमने यहां पे भरा है ये फ्लूइड, उसका डेंसिटी, ठीक है। जी तो जाने दो,
एच कितना है, ये जो हाइट हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो अभी पीबी क्या हो गया फिर, एक्चुअल प्रेशर। पीबी क्या हो गया, एक्चुअल प्रेशर किसका, इस गैस का। कैसे, पीबी इज इक्वल टू पीसी एंड पीसी इज इक्वल टू पीडी, और पीडी क्या है, एक्चुअल प्रेशर है उस गैस का, ठीक है। अभी इस एक्चुअल प्रेशर में से अभी मैं डायरेक्ट इसको पीडी लिख देता हूं, ठीक है। देयरफॉर पीडी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी एच। तो गैस का एक्चुअल प्रेशर पीडी, उसमें से अगर हमने ये माइनस कर लिया क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो हमें क्या मिलेगा, रो जी एच। तो ये जो डिफरेंस है, एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को बोलते हैं, पहले भी बोला है मैंने, गेज प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर, ठीक है। और जो प्रेशर गेजेस हम लगाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या किसी भी मशीन पे, वो हमें ये वैल्यू दिखाता है, कौन सी वैल्यू दिखाता है, रो जी एच, गेज प्रेशर की वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो मैनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, एनक्लोज फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए, और कौन सा प्रेशर मेजर होता है, गेज प्रेशर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।